करीबन 20 से 25 जो साइकिलिस्ट जिसने आज पार्टिसिपेट किया, जोरदार तालियां आराम खान के लिए। जैसा मैंने ताकि आगे चल के भी वो मजीद उन स्पोर्ट्स पे एक्शन करे। जवान पुलिस के जिन्होंने इस टूर्नामेंट को, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद की, उनको भी मैं उनके अरब शबीर कैमरा श्रीनगर से गेस्ट नंबर 8 47 6 से सेवन प्लेस के लिए बड़ा अहम श्रीनगर सेवन प्लेस विनर है ये। देखिए पैडल फॉर पीस लगभग पिछले कई सालों से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 14 से खास तौर पे ये ऑर्गेनाइज हो रही है और आपने देखा है कि कैसे लोगों के बीच इनके लिए, इस इवेंट के लिए जो है अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है हर साल। और इस बार खुशी की बात है कि सबसे बड़ी तादाद में लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कम से कम छोटी उम्र का 3 साल का बच्चा भी है और बड़ी उम्र के लोग भी हैं, 7 कैटेगरी में लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के तहत एक कार्रवाई है जिसमें हम अपना और आवाम और नौजवान साथी बच्चे बच्चियां सबको इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। हम सब अमन के लिए एक दूसरे को पार्टनर बना के चलना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि बच्चों की और हर एज ग्रुप की पार्टिसिपेशन पहले के मुकाबले में इसमें बड़ी है। कि बच्चों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इतनी इवेंट की, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़े ही दिनों में जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के बाद इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की पार्टिसिपेशन हुई। मुझे लगता है कि बच्चों की एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में चैनलाइज करने से ड्रग्स की और जो बाकी वबा जो इस तरह की आजकल चल रही है उससे बच्चों को दूर रखने में मदद मिलती है और बच्चों को और भी उत्साह मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है कि और भी फील्ड्स में आगे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। बहुत बड़ा योगदान है ऐसी इवेंट्स का कि बच्चे मिलिटेंसी से दूर रहें और उनको ये लगे कि हम लोग सब एक साथ हैं और हम सब अमन के लिए काम कर रहे हैं।